हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बना रहे थे, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां से हम एग्जांपल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दिस क्वेश्चन आर बिफोर एक्सरसाइज 3.3। अगर आप इन एग्जाम्पल के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, आगे आने वाले एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनको किस तरह से टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कौन से फॉर्मूले यूज करने, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आपको लेक्चर में आगे ले जाने से पहले ये बता दूं मैं कि इस एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 10 से पहले बहुत सारे फॉर्मूले हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। मैं इकट्ठे सारे फॉर्मूले आपके सामने नहीं प्रेजेंट कर रहा, नहीं तो आप फिर टेंशन में आ जाएंगे कि इतने सारे याद कैसे करेंगे। तो मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जितने फॉर्मूले हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन कराते कराते आपको सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 10 में आते हैं, इनके क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है और ये किस कैटेगरी के फॉर्मूले डिमांड करता है, यानी कौन सी कैटेगरी के फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्रूव दैट 3 sin π/6 sec π/3 − 4 sin 5π/6 cot 5 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको चीजें प्रूव करनी है। तो जाहिर सी बात है आप LHS लेके स्टार्ट करोगे, RHS 1 ला के दिखा दोगे, प्रूव हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, वो एज ए सप्लीमेंट्री नॉलेज में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमको कुछ कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसको आप साइड में कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। दिस इज सप्लीमेंट्री नॉलेज बोल देते हैं, ओके, दिस इज सप्लीमेंट्री नॉलेज। ठीक, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की वैल्यू 0 से लेके 90 तक, ठीक है, साइन की और बाकी चीजों की, एटलीस्ट साइन कॉस और टेन की आपको आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वो आपको आती होगी क्योंकि आप टेंथ में भी पढ़ के आए हो और इलेवंथ पढ़ रहे हो, उससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको सारे टेबल की वैल्यू याद है, कौन कौन से टेबल की वैल्यू, जैसे एक हम यूज करते हैं 0 डिग्री टेबल में आने वाली वैल्यू, एक हम यूज करते हैं 30 डिग्री, एक हम यूज करते हैं 45 डिग्री, दूसरा इसके बाद हम यूज करते हैं 60 डिग्री और इसके अलावा हम यूज करते हैं 90 डिग्री। तो इतने की वैल्यू तो कम से कम आनी चाहिए और ये मैंने किसमें लिखा है, डिग्री में, और इन्हीं को रेडियन में लिखना भी आपको आना चाहिए। तो रेडियन में अगर आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो इनको रेडियन में कैसे लिखेंगे, जैसे 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, 0 ही बोलेंगे, 0 रेडियन। 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, आंसर पाई अपॉन 6 लिख देते हैं। 45 डिग्री को लिखते हैं पाई अपॉन 4, ये रेडियन मेजरमेंट भी आपको आना चाहिए। 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई अपॉन 3 और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। इसी तरह से 180 डिग्री होगा तो क्या लिख देंगे, पाई, और 360 डिग्री होगा तो उसको क्या लिख देंगे, 2 पाई। ये चीज आपको ऑलवेज अंडरस्टूड रहना चाहिए। जैसे मैं एक दो वैल्यू और बढ़ा लेता हूँ, 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो रेडियन में 180 डिग्री को क्या लिखेंगे आप, इसको हम लिखते हैं पाई और 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको याद होगा, ये सारी वैल्यू रेडियन में है। ठीक है, इसके अलावा रेडियन और डिग्री का क्या कनेक्शन होता है ये आपको मालूम है कि पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इसमें डिग्री को रेडियन में भी हम चेंज कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री। तो ये सिंपल सा लॉजिकल फॉर्मूला है जो आपको हर वक्त याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू निगेटिव होती है, ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और हम लोग इसमें इस तरह से ऐसे रोटेट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पॉजिटिव होती है, इसका शॉर्टकट ये है, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल, एस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, और टू का यानी टी स्टैंड फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट, और यहाँ पर जो चौथे क्वाड्रेंट में सी यूज कर रहे हैं हम, इसका मतलब है कॉस और इसका उल्टा सैग, यानी इस क्वाड्रेंट में कितनी चीजें पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी चीजें इनके अलावा निगेटिव हो जाएंगी।
जैसे पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी निगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ये चीज आपको आना चाहिए, आ गया समझ में। और इसके अलावा दूसरी चीज आपको और मैं नॉलेज बताता हूँ, क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए एक फंडामेंटल आप याद रखिए, जैसे यहां पर हमने आपको दिया साइन और ये है 90 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी प्लस थीटा ले लो माइनस थीटा कुछ भी ले लो। अब हम ये देखेंगे 90 का कौन सा मल्टीपल यहां पर चल रहा है, जैसे हमने लिख दिया 90 का मल्टीपल 1, ये 1 क्या बताएगा, ये 1 बताता है नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कि कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है। जैसे ये अगर हमने यहां 1 लिखा है तो किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब पहले क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी एंगल प्लस कर दोगे तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ये चीज समझ में आया। तो 90 मल्टीप्लाई में हम नंबर ऑफ क्वाड्रेंट लिखते हैं और प्लस माइनस में थीटा लिखते हैं। इसका यूज में आगे आपको बताता हूं किस तरह से करना है। इसमें बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये जो 1 है, यहां पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। याद रखिएगा जब ये नंबर ऑफ क्वाड्रेंट ऑड होता है और तो यहां लिखी हुई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ये चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाता है। कौन किसमें चेंज होता है, अगर ये ऑड है तब याद रखिएगा, इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये ऑड है नंबर ऑफ क्वाड्रेंट अगर, तो फिर साइन किसमें चेंज होता है, देखिए साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, और टेन जो है वो चेंज हो जाता है कॉट में, इसी तरह से कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा एक दूसरे के उल्टे। इसी तरह से अगर कॉसेक है तो कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक है तो ये कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म किसमें बदलती है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म किसमें बदलता है ये आपको यहां से समझ में आएगा, ठीक, ओके। ठीक है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म किसमें चेंज होता है यहां से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, फिर से यहां देख लीजिए, दिस इज अगर हमारे सामने कॉसेक आया, अगर हमारे सामने कॉसेक आता है, ठीक है, कॉसेक, तो ये कॉसेक किसमें चेंज होता है सेक में, और सेक किसमें चेंज हो जाता है कॉसेक में। तो इतनी सी चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 साइन पाई बाई सिक्स किसको बोलते हैं। अब ये चीज यहाँ थोड़ा सा देखिए 30 डिग्री के रेडियन फॉर्मेशन में नीचे क्या आता है 6, और 60 डिग्री के रेडियन फॉर्मेशन में नीचे क्या आता है 3, ये याद रखिएगा। तो पाई बाई सिक्स का मतलब ये क्या है 30 डिग्री, और पाई बाई थ्री होगा ये क्या होगा 60 डिग्री, इसको याद रखिए। अब देखिए 3 साइन पाई बाई सिक्स मतलब क्या 30 डिग्री, सेक पाई बाई थ्री मतलब सेक 60 डिग्री है, 4 साइन 5 पाई बाई सिक्स इसका क्या मतलब है, तो देखिए इतने पोर्शन को पहचानिए, पाई बाई सिक्स ये क्या चीज है 30 डिग्री और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 डिग्री में 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो ये साइन 150 डिग्री है और कॉट पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, इसको हमको सॉल्व करके क्या ला के दिखाना है 1 ला के दिखाना है। तो चलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने थे वो मैंने आपको बता दिए, अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे, यहां से हम नोट करना शुरू करते हैं LHS पार्ट। LHS हमारा क्या है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन यहां पे नोट कर देता हूं, 3 साइन 30 डिग्री था उसको हमने पाई बाई सिक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद था हमारा सेक, ये हमारा पाई बाई थ्री है यानी ये 60 डिग्री है, माइनस 4, उसके बाद था हमारा साइन 150 डिग्री को रेडियन में लिखा है 5 पाई बाई सिक्स, ठीक है, उसके बाद था हमारा कॉट
5/4 यानी 45 डिग्री। बस ये सारी वैल्यूज हमारे जान पहचान वाले वैल्यू है, इसमें से खाली एक ही वैल्यू है जो हम नहीं पहचान रहे, वो है ये साइन 150 डिग्री। तो इसको हम बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंस, ध्यान से देखिएगा, साइन 5π/6 यानी ये क्या चीज है, मैं डिग्री में लिख देता हूँ साइन 150 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम कैसे लाएंगे कि हमारे टेबल जो है वो 90 डिग्री तक ही होते हैं, इसी के लिए मैं आपको अभी सप्लीमेंट्री नॉलेज बता रहा था। इसको हम क्या करेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, देखिएगा, साइन इसको मैं लिख देता हूँ 90, और 90 में कुछ भी प्लस करेंगे यानी पहले क्वाड्रेंट में कुछ भी प्लस करेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में। तो इसमें हम 90 में कितना ऐड कर दें कि 150 हो जाए, तो आंसर है 60 डिग्री ऐड कर दीजिए, 150 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ऑड, ऑड होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस में चेंज हो गया। यहां जो थीटा लिखा होता है ये थीटा एज इट इज यहां पर आ जाता है। अब ये साइन है और हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, देखिए 90 प्लस थीटा करने से हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये कैसा रहेगा आंसर हमारा, पॉजिटिव। सबसे पहली चीज, कॉस 60 हमारे टेबल वाली वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू होती 1/2। अब ये सारी वैल्यूज नोन होगी, अब हम खाली वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिए किस तरह से इसको मैं पुट करता हूँ, LHS वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दिस इज 3 मल्टीप्लाई में है साइन पाई बाई सिक्स बोलते हैं 30 डिग्री को, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 1/2 होता है। उसके बाद बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा सेक पाई बाई थ्री। अब यहाँ देखिए सेक पाई बाई थ्री बोलते हैं 60 डिग्री को, ये किसका उल्टा होता है, आंसर है ये कॉस का उल्टा होता है। तो ये 1/cos π/3 रहा होगा, यानी सीधी सी बात इसको ऐसे लिख देते हैं, sec 60 डिग्री किसका उल्टा होगा, आंसर है cos 60 डिग्री का। तो आप cos 60 डिग्री की वैल्यू याद कीजिए, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो यहाँ पर जैसे आप 1/2 रखोगे cos 60 की जगह, ये 2 वापस ऊपर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2/1, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/1। तो यहाँ पर हम cos 60 डिग्री की जगह क्या लिख देते हैं, 2/1, फिर फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद हमको लिखना है 4, ये है साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हम निकाल के ला रहे हैं 1/2, मल्टीप्लाई में लिख दिया 1/2, cot 45 किसका उल्टा होता है, tan का, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये हमने लिख दिया 1। उसके बाद देखिए जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल, ये 2 बन जा और ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बन जा सिर्फ क्या रह गया 3 माइनस, इधर सिर्फ क्या रह गया 2, 3 में से 2 माइनस किए कितना आ गया 1, और यही था हमारा RHS। तो हमारा LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को पहचानिए, देखिए ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जो वैल्यूज आती हैं एंगल की, वो एंगल जो है वो 0, 30 डिग्री, 45, 60 इस तरह की चलती है, और ये बहुत छोटा एंगल है, 30 डिग्री से भी छोटा एंगल है। तो जब छोटे एंगल आते हैं तो फिर इनको किस तरह से बनाना है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, छोटे एंगल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये समझिए। इसके लिए अब हम जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम कुछ हमारे पास फॉर्मूले की कैटेगरी है, तो उन फॉर्मूले की कैटेगरीज को हम यूज करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ये आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूले की कैटेगरी यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा ना। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं फॉर्मूला कैटेगरी। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला कैटेगरी है जो हम यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए साइन ए के बाद क्या आया, प्लस आया, और प्लस के बाद बी आया, प्लस साइन आ रहा है। अब इसका एक छोटा सा यूजुअल मीनिंग समझिए, साइन के साथ ये जो ए प्लस बी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, कहने का मतलब साइन इस ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई होता तो अगले स्टेप में हम ए प्लस बी को इधर इक्वल के इस पार देखते डिवाइड में आ जाता, इस तरह नहीं होता। तो ये याद रखिएगा साइन जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये पूरा ए प्लस बी मिला के क्या है थीटा, ये एंगल है। अब इसका हमने फॉर्मूला ये बनाया, ध्यान से देखिएगा ना, साइन अगर है
साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए और उसके बाद आता है कॉस बी, यानी साइन के साथ ये पहला वाला एंगल आता है और कॉस के साथ ये दूसरा वाला एंगल। उसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो हमारे फॉर्मूले में भी प्लस आया, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए और उसके बाद साइन बी, इसको याद कर लीजिए। अब मान लीजिए हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस ना होता, माइनस साइन होता, जैसे साइन ए माइनस बी, तो पूरा फॉर्मूला इसी तरह से रहता, खाली जहां प्लस साइन आया है वहां क्या आ जाता, माइनस साइन। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन है तो ध्यान से देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, फिर एक बार कॉस आएगा एक बार साइन आएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक, दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है इसी कैटेगरी का, दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं कॉस के लिए। अब इसको समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है। कॉस के साथ अगर ए प्लस बी आया, तो अगर यहाँ कॉस है तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ दोनों जगह कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी, अगर कॉस के लिए है तो। दूसरी चीज, अगर यहाँ प्लस साइन है तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ उल्टा हो जाता है, माइनस साइन, और उसके बाद दोनों साइन आता है, साइन ए साइन बी। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर इस प्लस साइन के बजाय माइनस साइन यहाँ पर होता, तो यहाँ पर माइनस के बजाय क्या आ जाता, उल्टा साइन प्लस, और बाकी सारी चीजें सेम होती। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी का फॉर्मूला। आप तीसरा एक फॉर्मूला देखिए, अगर हमको टेन दिया रहता, जैसे टेन और यहां पर होता ए प्लस बी, तो टेन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए ये सिंपल है, टेन का लॉजिकल फॉर्मूला बनता है, देखिए टेन ए और यहां साइन अगर प्लस है तो यहां भी प्लस साइन आता है, और यहां पर हम लिखते हैं टेन बी, और डिवाइड में यहां हो जाता है वन, और ऊपर प्लस था तो नीचे आ जाता है माइनस, और उसके बाद यहां आ जाता है tan a और ये tan b मल्टीप्लाई में, ऊपर tan a tan b प्लस में हो और नीचे 1 माइनस tan a tan b। लेकिन अगर यहां पर साइन माइनस का होता तो फिर ऊपर में यहां माइनस आ जाता और नीचे में यहां उल्टा साइन पॉजिटिव आ जाता, ये आपको समझ के रखना है। एक फॉर्मूला और इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं cot का, जो कि tan का बिल्कुल उल्टा बनता है। तो एक चौथी कैटेगरी का फॉर्मूला इसमें हम ले लेते हैं, और इसी फॉर्मूला यही कैटेगरी हम बार बार आगे यूज करेंगे। तो यहां पर अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया cot a प्लस बी का या a माइनस बी का, कुछ भी, ठीक है, तो देखिए इसमें cot का जो फॉर्मूला है a प्लस बी, ये tan का जस्ट उल्टा होता है। जैसे tan में देखिए ऊपर क्या आ रहा था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, तो इसमें क्या होता है, ये नीचे की चीज है 1 माइनस tan a tan b, ये ऊपर चली जाती है, और सिर्फ ऊपर नहीं जाती, ये वाला जो पोर्शन है tan a tan b का, ये इस तरफ आ जाएगा और 1 इस तरफ आ जाएगा, यानी ये उल्टा पलटी हो जाते हैं। तो एक तो ये ऊपर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला बना रहे हैं cot का, देखिए cot a cot b, और यहां अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, उल्टा हो जाता है, जैसे यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा और ये 1 यहां आ जाएगा, समझ रहे हो, tan वाले का डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन गया और वो भी उल्टा पलटा हो गया, और उसके बाद डिवाइड, ठीक, अब ऊपर tan a tan b था, ये भी जो न्यूमरेटर था यहां डिनोमिनेटर बन जाएगा और उल्टा पलटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा cot b, और ऊपर माइनस साइन यूज हो चुका है तो नीचे प्लस साइन, और नीचे इसके बाद cot a, उल्टा हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ cot a प्लस b के बजाय a माइनस b होता तो ऊपर में साइन क्या आ जाता, प्लस, और नीचे में साइन क्या आ जाता, माइनस। इस तरह से ये कैटेगरी के फॉर्मूले हम, ये छोटे छोटे एंगल जो दिए रहते हैं इस तरह के, जैसे साइन 15 दे दिया, इनको सॉल्व करने के लिए इनको हम यूज करते हैं इस कैटेगरी के फॉर्मूले को। इन कैटेगरी के फॉर्मूले को बार बार लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब हम इनको यूज करते हैं, देखिए कैसे बनाना है, ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा ना। हाँ जी, हमको क्वेश्चन दिया है साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 डिग्री, ठीक। अब साइन 15 डिग्री का कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमारे पास जो टेबल है उसमें 0 डिग्री आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, तो इस 15 डिग्री को चेंज कीजिए, ऐसे लैंग्वेज में चेंज कीजिए कि वो डिग्री बन जाए जो आपके टेबल में आता है, क्योंकि उनकी वैल्यू हम जानते हैं। तो देखिए साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, यही तो तरीका मैं यहाँ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये एंगल ए प्लस बी है, ये सिंगल एंगल है 15 डिग्री, इसको हम ब्रेक करके ए प्लस बी में या ए माइनस बी में ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया, ए प्लस बी या ए माइनस बी में हम इनको लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए थोड़ा सा ना, मैं वापस से इसको लिख देता हूँ, दिस इज ए प्लस बी, या माइनस साइन हम लेते तो ये बन जाता, ठीक है, इस तरह से। अब 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एंगल यूज करने टेबल में आने वाले हैं, तो देखो मैं एक तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
साइन 45 डिग्री, ये टेबल वाला है, और इसमें 30 डिग्री माइनस कर दिया, तो 45 में से 30 माइनस करूंगा तो 15 आएगा। देखो 45 भी टेबल वाला एंगल है और 30 भी टेबल वाला एंगल है, दोनों की वैल्यू हम जानते हैं। हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री क्योंकि भी टेबल वाला एंगल है, इसमें कितना घटा दूं कि 15 डिग्री बन जाए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री भी टेबल वाला, ये भी टेबल वाला, तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 15 को, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे भी बनाइए, देखिए अब ये क्या बन गया, ये है हमारा, ध्यान से देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज माइनस बी, ये क्या बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो ऊपर पहली लाइन में आपको दिख रही है पहली कैटेगरी का फॉर्मूला। और इसको आप क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं देखिए साइन ए और उसके बाद कॉस बी, और फिर माइनस है तो माइनस, फिर कॉस ए और उसके बाद साइन बी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप जानते हैं, नॉन एंगल्स हैं। साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 फॉर्मूले का माइनस, कॉस 45 कितना होता है, ये भी होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये ऊपर √3 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, √3 डिवाइड में 2√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 माइनस, सेम चीज यहाँ 1/√2, ये 2√2 से मल्टीप्लाई होती है, यही चीज तो बनेगा, तो नीचे हमको कितना मिला 2√2। अब इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है 2√2 2√2, तो ये कितना आएगा एलसीएम 2√2। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली नंबर भी एलसीएम लेने के बाद सेम आ जाती है, दिस इज द आंसर। आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करके आंसर बना सकते हैं या इसको भी आंसर मान सकते हैं, तो हम इसी को आंसर मान लेते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, जैसे इसमें डिनोमिनेटर में रूट आ गया ना, इसको कायदे से हमको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाले रूट को कैंसिल करा लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ, बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 12 भी बनाएंगे और इसमें भी इसी कैटेगरी के फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ जी, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में इसको हम किस तरह से बनाते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आपने भी एग्जाम्पल नंबर 1 बनाया है, ठीक है, एग्जाम्पल 11 जो बनाया है आपने, तो देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12, तो यहाँ पर हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया गया है, tan 13/12, इसको कैसे ब्रेक करें, देखिए 13π/12 है ये, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 और 13 को डिवाइड कर दीजिए, सीधी सी बात, तो 12 से 13 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 12 1 बच गया रिमाइंडर, और इसको आप लिख दीजिए क्यू आर डी के फॉर्मेट में, ये है क्वेश्चन, ये तो ये हो गया 1 और ऊपर आएगा रिमाइंडर और नीचे आ जाएगा डिवाइजर, ठीक है। आप पाई है तो हर जगह पाई लिख दीजिए, दिस इज पाई, दिस इज पाई, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, किस तरह से लिखेंगे देखिए, टेन ये हो गया पाई और प्लस कितना लिख दें पाई बाई 12, आप इसका एलसीएम लेके देखिए तो आपको यही मिल जाएगा 13π/12। आप इसको ध्यान से देखिए, ये बेसिकली क्या चीज है, ये है पाई का मतलब होता है 180, दिस इज टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा है हमारा फिलहाल ये, इसको भी हम चेंज कर लेंगे, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। अब हमारा नियम ये बोलता है कि टेन 180 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, 180 यानी क्या चीज, 180 का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 90 × 2, ये 180 को ऐसे लिख दिए 90 × 2 और इसमें कोई भी एंगल आप जोड़ दीजिए, ये समझ आया। अच्छा ये मैंने आपको बताया था, ये अगर ऑड नंबर है तो यहाँ लिखी हुई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म चेंज हो जाती है, टेन कॉट में चेंज हो जाता, लेकिन ये इवन है तो टेन चेंज नहीं होगा, तो टेन का टेन ही रहेगा और ये वाला जो एंगल है पाई बाई 12 ये इसके साथ आ जाएगा, तो टेन 13π/12 किसके बराबर हो गया, 10π/12 के बराबर हो गया, यहां तक समझ आया। अब पाई बाई 12 क्या चीज है इसको समझिए, देखिए पाई बोलते हैं 180 को और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, यही है ना पाई बाई 12, ये
तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है देखिए, इसको हम बताते हैं। देखिए किससे कट रहा है, ये सिक्स से कट रहा है ना, सिक्स थ्री या एटीन ये जीरो हो गया, और सिक्स टू या ट्वेल्व ये फिर कट गया, ये कितना हो गया पंद्रह। तो अल्टीमेटली ये टेन पाई अपॉन ट्वेल्व कितना लिखा हुआ है, ये है आपका टेन पंद्रह डिग्री। और ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया जैसे अभी आपने बनाया था साइन पंद्रह डिग्री का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो टेन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जैसे अभी तो इसके पहले भी आपको बता रहा था, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे। आप टेन 45 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए अगर रेडियन में काम करना है तो रेडियन में कितना बोलते हैं 45 को पाई बाई फोर, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई बाई सिक्स, ये इस तरह से लिखा गया। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये क्या चीज है, ये है हमारा टेन ए माइनस बी, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सेक्शन मैंने बनाया है, थर्ड वाला फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, तो नीचे माइनस है तो माइनस आ जाता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी लगा देते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यहीं पर यूज कर लेते हैं, टेन ए, ए क्या चीज है पाई बाई फोर, ये सब टेबल में आने वाले एंगल्स हैं पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस टेन बी टेन पाई बाई सिक्स ये लिख दिए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा वन, और फिर प्लस क्योंकि ऊपर माइनस है, फिर टेन ए और मल्टीप्लाई में टेन बी, टेन बी कितना है पाई बाई सिक्स, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करेंगे। टेन 45 कितना होता है वन, टेन 45 वन होता है, टेन पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री आप होल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए दिस इज वन प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है वन मल्टीप्लाई टेन 30 डिग्री की वैल्यू फिर से वन बाई रूट थ्री, ये अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा दिस इज वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री और होल डिवाइडेड बाय वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री, क्योंकि ये वन से मल्टीप्लाई होकर इतना ही रहेगा। अब हम दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, देखिए किस तरह से सॉल्व करना है एलसीएम लेके, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ये ठीक। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ऊपर वाले को देखिए वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन मानिए, तो इसका एलसीएम कितना आया ऊपर में रूट थ्री, वन से रूट थ्री को डिवाइड करेंगे रूट थ्री आएगा, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय ये वाला न्यूमरेटर वन, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट थ्री से रूट थ्री डिवाइड करेंगे वन, वन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर वन वन, इसी तरह से डिवाइडेड बाय नीचे का कहानी, इसका भी एलसीएम कितना आएगा रूट थ्री, और सेम ये कितना हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, आ रहा है समझ में, नीचे का रूट थ्री ये वाला रूट थ्री डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, ऊपर क्या बच गया रूट थ्री माइनस वन, नीचे क्या बच गया रूट थ्री प्लस वन, कितना बचा रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन। अब आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं या यहाँ पर भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, किस तरह से कर रहे हैं देखिए, रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन, नीचे डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते जो मैं इसके पहले आपको बता रहा था, तो इसको हम क्या करेंगे रूट थ्री माइनस वन से और रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे, प्लस से भी कर सकते हैं माइनस से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किसको रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, देखिए डिनोमिनेटर को देखिएगा ना, ये है हमारा a प्लस बी, ये है a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है ना a प्लस बी माइनस बी, ठीक। ऊपर में देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है, तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट थ्री का स्क्वायर थ्री वन का स्क्वायर वन, आया समझ में ये बात। अब आगे देखिए रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया और ये हो गया टू रूट थ्री और ये प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू टू, थ्री माइनस वन टू हो गया। अब ये थ्री नंबर है ये वन नंबर है, दोनों प्लस में है, जुड़ के कितने हो गए फोर माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, दोनों में से टू को आप कॉमन ले सकते हो, दिख रहा है कॉमन भाई, फोर में भी टू होता है और नीचे तो टू है ही, तो यहां से हम टू को कॉमन निकाल लेते हैं, देखिए फोर और टू में से
टू कॉमन आया, फोर की जगह क्या बचा टू, और यहां से टू निकल गया तो सिर्फ रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये कैंसिल हो गया और सिर्फ हमारा आंसर क्या बनेगा टू माइनस रूट थ्री, ये आपके एनसीईआरटी से मैच हो गया। अदरवाइज ऊपर वाला भी अगर आप लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी आंसर भी ट्रीट किया जाता भले एनसीईआरटी से मैच करे या ना करे। यहाँ जो हमने ऊपर आंसर बनाया था ना ये वाले पोर्शन को, यहाँ ध्यान से देखिए इस पोर्शन को जो हमने आंसर बनाया था ये भी आंसर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो एनसीईआरटी से मैच करना है तो दो तीन स्टेप आगे कर लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। हाँ जी, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस टेन वाई। इसको हमको प्रूव करना है, LHS लेके हम स्टार्ट करेंगे, RHS लाके दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं LHS को, ठीक है LHS, LHS क्या है साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन x माइनस वाई। तो डायरेक्ट हमारी ये कैटेगरी आप दिख रही है, देख रहे हैं आप साइड में मैंने नोट किया है साइन ए प्लस बी वाला और नीचे साइन ए माइनस बी, देख रहे हैं x माइनस वाई और ऊपर x प्लस वाई है। तो ये साइन ए प्लस बी वाला कैटेगरी में फिट हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी वाली कैटेगरी में। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज को फिट करते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन ए फिर कॉस बी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद कॉस ए और उसके बाद साइन बी, ये ऊपर में लग गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में लगाएंगे साइन ए माइनस बी वाला, इसमें क्या लगाएंगे खाली साइन चेंज होता है बस, साइन ए कॉस बी और माइनस है तो माइनस, कॉस ए साइन बी, ठीक है। लेकिन हमको तो टेन चाहिए, टेन कैसे बनेगा, तो टेन बनाने का फंडामेंटल देखिए, हमको मालूम है टेन जो है वो किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के रेशियो के बराबर, ये क्या हो जाता है टेन। तो अगर अपने को टेन बनाना है तो साइन एक्स के नीचे क्या आना चाहिए कॉस एक्स। यहाँ देखिए पहले टर्म में हमको साइन एक्स दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको साइन एक्स, तो साइन एक्स को किससे डिवाइड कर दूं कॉस एक्स। लेकिन जो चीज मेरे को प्रूव करके लानी है वहां पे सिर्फ टेन एक्स है, वाई वाला कोई टर्म नहीं आता, जो जैसे यहाँ ये कॉस वाई है, इसका मतलब है मेरे को साइन एक्स को टेन एक्स बनाना है तो उसके लिए मेरे को कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कॉस वाई मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे एक्सप्रेशन में कॉस वाई नहीं आता, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स और कॉस वाई दोनों से डिवाइड कर लेंगे। देखिए डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना ना, ये मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इस पूरे को हमने किससे डिवाइड करना है कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखो सबके टोटल के नीचे मैंने कॉस एक्स कॉस वाई लिख दिया, इसका मतलब है साइन एक्स कॉस वाई के नीचे भी है ये और कॉस एक्स साइन वाई के नीचे भी माना जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा मेन डिवाइडेड बाय फिर क्या है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे सेम चीज से कॉस एक्स कॉस वाई। अब आप चाहें तो इनको बारी बारी एक के नीचे एक लगा सकते हैं और अपन लगा के बना लेते हैं इसको, ठीक है ठीक है जी चलेगा ओके। देखिए कैसे बनेगा ये सिंगल सिंगल कर लेते हैं हर एक के नीचे बारी बारी, साइन एक्स कॉस वाई के नीचे भी इसको है मानेंगे हम कॉस एक्स कॉस वाई, उसके बाद ये प्लस, इसी तरह से ऊपर वाला कॉस एक्स साइन वाई के नीचे भी ये माना जाएगा क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर है दोनों के लिए कॉस वाई। अब ये होल अपॉन सेम यहाँ नीचे वाले में भी यही काम करना है हमको, साइन एक्स कॉस वाई के नीचे इसको हम मानेंगे कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन, सेम चीज यहां पर कॉस एक्स साइन वाई के नीचे हम इसको मानेंगे कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखिए क्या चीज कैंसिल हो गया यहां से ऊपर वाले से देखिए कॉस वाई कैंसिल, खाली क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको क्या लिख लेंगे हम टेन एक्स,
प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बोलेंगे टेन वाई, ठीक डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए कॉस वाई कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स माइनस, यहाँ से साइन वाई और ना कौन सा कैंसिल होगा जी, कॉस एक्स कैंसिल, तो साइन वाई और कॉस वाई बच जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, दिस इज साइन वाई कॉस वाई टेन वाई, और यही चीज तो हमको लेके आनी थी। आप देखिए ऊपर में आर एच एस यही था हमारा, मैं ऊपर ले चलता हूँ स्क्रॉल करके आपको, ये देखिए दिख रहा आपको ये वाला पोर्शन, यही चीज तो लानी थी हमको और ये चीज हमारी आ गई, तो इसको हम क्या लिख लेंगे अब, दिस इज आर एच एस, ये क्या चीज है हमारा आर एच एस, और ये क्या हो गया प्रूफ, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल नंबर 14 नोट कर लीजिए इसको, ओके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 14, यहां पर हमारा क्वेश्चन है शो दैट टेन थ्री एक्स मल्टीप्लाई टेन टू एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, ये हमको लाके दिखाना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम सहारा लेंगे, ये तीसरा वाला हमारा जो फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का, इसका हेल्प हम ले रहे हैं। देखिए इसको हम बनाएंगे इस तरह से, यहां पर हम ये मान सकते हैं, देखिए देखिए वी नो दैट, हमको मालूम है कि ये वाला जो टेन थ्री एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ताकि मैं a प्लस बी बना सकूं, यानी ये जो एंगल है मेरा 3x, इसको मैं स्प्लिट करके दो भाग में डिवाइड करूंगा तब ना a प्लस बी बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 2x प्लस 1x, तो 3x हो जाएगा, ताकि मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकूं, आपकी मर्जी। देखिए मैंने ऊपर से किसको चुना है, हमारा जो एल एच एस वाला पार्ट है इसमें ये है tan 3x, मैंने tan 3x लिया, आपकी मर्जी आप tan 2x ले सकते थे, tan 2x लेते तो इसको क्या लिखते आप, 2x मेंटेन करना है, कैसे लिखोगे, देखो 3x माइनस 1x tan 2x हो जाता, आपकी मर्जी आप tan x को लेके बना सकते थे, कैसे बनता tan 3x माइनस tan 2x 1x आता, तो आप किसी भी एक एंगल को लेके स्टार्ट कर सकते हैं, मैं 3x लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये तीसरा वाला साइड में मैंने यहाँ पे नोट किया है, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है साइड में, क्या लिखना है tan a, a की जगह कौन है 2x, ये है ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा a और प्लस के बाद ये क्या है b, तो a की जगह हम 2x लेंगे, b की जगह हम x लेंगे, तो tan a पहले आता है, तो tan 2x, फिर प्लस tan b यानी tan x, फिर डिवाइड में 1 माइनस tan a और मल्टीप्लाई में tan b, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, दिस इज tan 3x, आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, दोनों तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये टेन थ्री एक्स जो है ये इधर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, यानी ये पूरा डिनोमिनेटर उठ के टेन थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा और वन इससे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो टेन थ्री एक्स वन से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टेन थ्री एक्स जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, ये आएगा टेन थ्री एक्स, फिर माइनस tan 3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा, आंसर है tan 3x मल्टीप्लाई tan 2x मल्टीप्लाई tan 1x हो गया, tan 3x का इन दोनों के साथ, उसके बाद ये 1 उधर जाएगा, इक्वल के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो यही चीज रहेगी tan 2x प्लस tan x। अब हमको क्या चाहिए, देखिए एक तरफ हमको ये चाहिए और दूसरी तरफ ये चाहिए, बाइफरकेट कर दीजिए अलग अलग, तो हम क्या करते हैं इस पूरे को ध्यान से देखिए, किस पूरे को, इस पूरे को उठा के मैं उस तरफ ले जा रहा हूं इक्वल के, और इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, इस पूरे को उठा के मैं इक्वल के उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, तो यहां देखिए यहां पहले से क्या है tan 3x, और अब ये उधर वाली पार्टी इक्वल की उस तरफ वाला इधर आएगा, तो देखो tan 2x प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, tan x प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, अब ये वाली जो चीज है इसको इक्वल टू उस तरफ ले जा रहा हूं, इधर देखिए ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में इसका साइन माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, tan 3x tan 2x
टेन एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये वही चीज क्या है जो ऊपर था, ये क्या हो गया ट्रू। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड लिखा गया है, राइट का लेफ्ट लिखा गया है, लेकिन बाहर क्या ट्रू हो गया है। ये इसी तरह से बनता है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 15 नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, और यहाँ से हमारे दूसरे कैटेगरी के फॉर्मूले यूज होंगे। अभी तक जो फॉर्मूले हम यूज करे थे तीन चार, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी वाले। अब यहाँ पर देखिए, हम एक दूसरी कैटेगरी का फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे तो हम इसको उसी कैटेगरी से बना सकते हैं जिसको अभी तक हम यूज कर रहे थे, उससे भी बन जाएगा। जैसे देखिए, ये पहला वाला हमारा प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है, कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स, ये हमको लाके दिखाना है। तो हम चाहे तो देखो, इसमें पहले वाले में कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स को, पाई बाई फोर को ए और एक्स को बी मान सकते हैं, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे, और इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, रूट टू कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरी कैटेगरी का फॉर्मूला सिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखिए। अब हम ये सेकंड कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये सप्लीमेंट्री नॉलेज है आपके लिए, फॉर्मूला कैटेगरी, ठीक है। इसमें देखिए, पहला जो हमारा फॉर्मूला है, अब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये जो पाई बाई फोर प्लस एक्स लिखा है इसको पूरे को एक एंगल मान लीजिए, और पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखा है इस पूरे को एक एंगल मान लीजिए। इसमें हम कुछ कैटेगरी के फॉर्मूले यूज करते हैं, देखिए कौन कौन से ना, साइन सी प्लस, अब इसमें एक एक एंगल है, देखो अब सी प्लस डी नहीं है, जैसे साइन ए प्लस बी अलग होता है, सी प्लस डी अलग होता है, लेकिन ये साइन ए और प्लस साइन बी है, तो ए डी ना लिख के सी डी लिख दे रहे हैं। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे साइन सी माइनस साइन डी के लिए, तीसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए, और चौथा फॉर्मूला हम बनाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले देखिए किस तरह से मैं बना रहा हूँ ना, बहुत सावधानी से देखिएगा, हर एक के फॉर्मूले हम एक शॉर्टकट से लिख लेते हैं ताकि बाद में इसी तरह से बना के आप उनको याद कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी अगर है प्लस, तो सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे टू साइन, और यहाँ की चीज हम लिखेंगे अभी बाद में, साइन के बाद यहाँ आता है कॉस, ठीक, और यहाँ भी ब्रैकेट वाली चीज हम अभी लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी एंगल। साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले टू कॉस, टू साइन फिर कॉस, फिर से साइन सी प्लस साइन डी है तो टू साइन फिर कॉस आता है, साइन सी माइनस साइन डी है, माइनस का साइन है तो पहले आता है कॉस और उसके बाद आएगा साइन, ठीक। कॉस सी प्लस कॉस डी है, ये साइन वाला पहले समझिए, देखिए अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले टू साइन फिर कॉस, साइन सी माइनस साइन डी है तो पहले टू कॉस फिर साइन, ठीक। कॉस सी प्लस कॉस डी है तो इसमें दोनों में कॉस आ जाएगा, टू कॉस और यहां भी कॉस, ठीक। और अगर कॉस सी माइनस साइन डी है तो यहां आता है माइनस टू, दोनों जगह साइन, यहां भी साइन यहां भी साइन, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, एक ही चीज लिखना है, देखिए जो एंगल थे सी और डी, तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू, समझे, यहां पर सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, सिमिलरली यहां भी सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू, और यहां सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, फिर से यहां सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू, और यहां सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, यहां भी सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू, और यहां सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले की कैटेगरी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम किस तरह से बना रहे हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा इसमें से, तो शुरू करें इसको बनाना। चलिए मैं पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, अब शुरू करते हैं हम बनाएंगे इसको। देखिए एलएचएस पार्ट हम लेके यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स और प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है, वो तो हम लेके आएंगे रूट टू कॉस एक्स, ठीक है। अब इस पूरे एंगल को आप सी मानिए इसको, और इस पूरे एंगल को यानी पाई बाई फोर माइनस एक्स को डी मानिए, ठीक। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये थर्ड वाला दिख रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका वैल्यू क्या होता है, टू कॉस, दोनों एंगल जुड़ जाते हैं, देखिए यहाँ
सी प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, जोड़ दीजिए सी प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। कैसे करेंगे, जोड़ देते हैं कि देखिए ये पूरा क्या है सी, पाई बाई फोर प्लस एफ, ये क्या है सी, और हमको इसमें जोड़ना है डी फोर, ये पूरा क्या है डी, ये और क्या करना है डिवाइडेड बाय टू, ये एंगल समझ आया आपको ये। उसके बाद क्या लिखना है, ये तो टू कॉस हुआ, फिर से कॉस आएगा, ऊपर फॉर्मूला देखिए थर्ड वाला, फिर हमको सी माइनस डी करना है। अब देखिए सी क्या है हमारा, ये पूरा एंगल, ये माइनस डी करेंगे तो ये दोनों चीज आएगी यहाँ पे, पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो इस माइनस के कारण वो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ रही होगी, डिवाइडेड बाय क्या करना है टू, क्योंकि सी माइनस डी अपॉन टू है। अब देखिए क्या बचा, यहां से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक दिस टू। अब देखो ये डिनोमिनेटर के टू से इधर वाले टू को कैंसिल नहीं कर देंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है टू और ये एंगल है, एंगल के साथ कॉस मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, टू कॉस, यहाँ क्या बचा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, कितना होगा टू पाई बाई फोर, टू पाई बाई फोर, और डिवाइड में क्या है टू। यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, टू कॉस है, फॉर्म कैंसिल हो गया, पाई बाई फोर कैंसिल, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, टू से टू को कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये टू इस टू को इस फोर को काट देगा, और ये टू इस टू से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा टू कॉस पाई बाई फोर, ये वाला टू और ये वाला टू मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएंगे, ये हो गया। और यहाँ पर कितना है कॉस एक्स, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी, पाई बाई फोर बोलते हैं 45 डिग्री को, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, देखिएगा टू कॉस 45 कितना होता है, आंसर है 1/√2, और ये मल्टीप्लाई में क्या है कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा। अब आप देखिए रूट टू को हम कैंसिल करा सकते हैं टू के साथ, टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू को हम लिख सकते हैं रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, नीचे में एक रूट टू है, एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा कॉस एक्स, हमारा आंसर क्या आ गया रूट टू कॉस एक्स, और देखिए यही तो था हमारा आर एच एच, प्रूव हो गया ये। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाने, तो देखो सी प्लस डी वाला भी एक कैटेगरी आ गया, ये चार फॉर्मूले मैंने नोट किए, चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 16, इसको नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सामने है, हमको प्रूव करना है cos 7x plus cos 5x divided by sin 7x minus sin 5x is equal to cot x। इसमें भी हम वही कैटेगरी यूज करेंगे जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने यूज किया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से, इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी यूज होगी, देखिए हम LHS लेके स्टार्ट करते हैं, RHS हम ले आएंगे, LHS क्या है, LHS हमारा cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 5x, ठीक है। अब यहां देखिए क्या दिख रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको कैटेगरी समझ आ जाएगा। देखिए cos के साथ ये एक एंगल है, ये वाला cos के साथ ये दूसरा एंगल है, आप इस एंगल को c मान लीजिए, इस एंगल को d मान लीजिए, समझ आया, ये cos c प्लस cos d लग जाएगा, नीचे से sin c माइनस sin d, और दोनों की आइडेंटिटी ऊपर आपको दिख रही है। चलिए मैं लगाना शुरू करूं, देखिए cos c प्लस cos d क्या होगा फॉर्मूला, देखिए थर्ड वाला आंसर है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, मैं डायरेक्ट जोड़ के कर रहा हूं अब ना, 7x प्लस 5x कितना हो गया 12x डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 7x प्लस 5x, देखो c प्लस d दोनों एंगल जुड़ते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, तो 7x और 5x जुड़ जाएगा, कितना हो गया 12x डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6 है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, या चलो विधिवत स्टेप वाइज से लिख लेते हैं ताकि ज्यादा कोई परेशानी ना हो जाए आपको, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको एक बार देखिए, 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2, समझ गए ये। उसके बाद फिर से क्या आएगा cos, अब c माइनस d होगा, तो 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2, c माइनस d डिवाइडेड बाय 2, अपॉन में क्या चल रहा है sin, तो इसमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा। सेकंड वाले को देखो, इसमें क्या आता है 2 cos c प्लस d, तो यही होगा, दोनों एंगल जुड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद क्या आता है sin c माइनस d, 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2, अब ये क्या बनेगा देखिए ऊपर वाला 2 cos,
सेवन एक्स फाइव एक्स कितना हो गया 12x डिवाइडेड बाई 3। या दूसरी चीज देखिए, ऊपर वाला पूरा नंबर मल्टीप्लाई में, नीचे वाला पूरा नंबर मल्टीप्लाई में, जो ऊपर नीचे सेम था उसको ऐसे ही काट देते हैं, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसको हम नहीं लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट इसको काट के बना रहे हैं। देखिए कैसे काट के बना रहे हैं, ये टू से टू कट गया, कॉस सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स पॉइंट टू, कॉस सेवन एक्स प्लस फाइव पॉइंट टू कट गया, कल ये चीज बचा। अब ये चीज कितना बचा इसको देखिए, कॉस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स कितना हुआ 2x डिवाइडेड बाई 3, 2x डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 1x डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है साइन, ये कितना बचा 7x माइनस 5x 2x डिवाइडेड बाई 3 वही x, और cos अपॉन साइन क्या चीज होता है cos x, ये थ्रू हो गया। तो एग्जांपल नंबर 16 भी हमारी इसी आइडेंटिटी से बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 17 की तरफ, वो हमारा आखिरी एग्जांपल है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आखिरी एग्जांपल एक्सरसाइज 3.3 से पहले का, बहुत मजेदार एग्जांपल है, ये भी इसी कैटेगरी के फॉर्मूले से बन जाएगा, ध्यान से देखिए, प्रूव करना है, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं RHS पार्ट ले लेता हूं, RHS पार्ट में आपको दिख ही रहा है क्या क्या दिया हुआ है हमको, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 3x साइन x और डिवाइडेड बाय कॉस 5x माइनस कॉस x। तो इसको अब हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसमें हम LHS पार्ट कंसीडर करते हैं, LHS, और यहां पर हम नोट करते हैं साइन 5x माइनस 2 साइन 3x और प्लस साइन x, डिवाइड में क्या लेना है हमको कॉस 5x माइनस कॉस x। अब देखिए हमको फॉर्मूला लगाना है, तो जाहिर सी बात है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x में तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि साइन के सामने ये 2 नहीं आना चाहिए हमारे किसी फॉर्मूले में, जो साइड में मैंने लिखा है ग्रीन कलर से, उसमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के पहले कोई नंबर नहीं आता, तो जाहिर सी बात है इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हम फॉर्मूला किस में लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें और इसमें, जिनको हम साथ में लिखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा साइन 5x और इसके साथ में किसको लिख लेते हैं साइन x, तो इसमें लग जाएगा साइन c प्लस साइन d, ये पूरा हमारा c हो जाएगा, ये पूरा हमारा d हो जाएगा इंगल, और ये हमारा बच गया ये साइन 3x, और डिवाइड में क्या है देखिए, डिवाइड में है अपना cos 5x माइनस cos x, इसमें भी लग जाएगा cos c माइनस cos d का, देखिए लास्ट वाला चौथा आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम फॉर्मूले को पुट करते हैं, तो इन दोनों में, इन दोनों से मेरा मतलब है ये, इन दोनों में, इन दोनों को हम पहली आइडेंटिटी लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी बनेगी, साइन सी प्लस साइन डी की, नंबर वन देखिए आंसर है 2 साइन, दोनों एंगल जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, सी प्लस डी, 5x प्लस x कितना हो गया 6x डिवाइडेड बाय 2, ये चीज समझ आ रहा है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 लिखा मैंने। उसके बाद हमको लिखना है कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, बताइए 5x माइनस 1x 4x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। ये अभी हमने साइन 5x प्लस साइन x को फॉर्मूला लगा के इसको ओपन किया है, उसके बाद क्या बचा हुआ है 2 साइन 3x और डिवाइड में क्या है cos c माइनस cos d, लगाइए लास्ट वाला आइडेंटिटी, cos c माइनस cos d का क्या होता है माइनस 2, दोनों जगह साइन आता है, यहां पर हो जाएगा c प्लस d, यानी 5x और 1x कितना हो गया 6x डिवाइडेड बाय 2, और अगली बार क्या आएगा साइन c माइनस d, यानी 5x माइनस 1x कितना हो गया 4x डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। अगले स्टेप में देखिए, दिस इज 2, यहां पर क्या बचेगा साइन 2 इज 6 को काटेगा कितना हो जाएगा 3x, और यहां पर cos 2 इज 4 को काटेगा कितना हो जाएगा 2x, और यहां क्या बचा है 2 साइन 3x, ठीक है डिवाइडेड बाय, यहां कितना बच रहा है माइनस 2 cos ना साइन है ना, मैंने cos लिख दिया, एक साइन लिखेंगे हम 2 साइन, ये कटेगा 2 3 जा, तो कितना हो गया ये 3x, और फिर से साइन, ये भी 2 काटेगा इसको 2 टाइम, दिस इज 2x, ये बचा भी हमारा बचा कुचा हम यहां तक पहुंचे। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और बाकी की चीजें नीचे नोट करते हैं। देखिए
ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए अपन, ये अब आगे बढ़ रहे हैं हम ना। इसके बाद देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को देखिएगा। देखिए न्यूमरेटर में यहाँ टू है, ये जो माइनस है ये टर्म बना रहा है, इधर माइनस के लेफ्ट वाला पूरा एक टर्म है, राइट वाला पूरा एक टर्म है, इधर टू है इधर भी टू है, इधर साइन थ्री एक्स है इधर भी साइन थ्री एक्स है, तो टू साइन थ्री एक्स दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लेते हैं, टू साइन थ्री एक्स कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ पहले टर्म में कॉस टू एक्स, और इधर से टू साइन थ्री एक्स तो निकल गया तो खाली वन ही बस बचे, डिवाइड में देखिए माइनस टू साइन थ्री एक्स और साइन टू एक्स, ऊपर का टू नीचे का टू, ऊपर का साइन थ्री एक्स नीचे का साइन थ्री एक्स कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा हमको, बचा कॉस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन टू एक्स और ये माइनस साइन, ये चीज बचा। अब नीचे का माइनस साइन अगर मैं कैंसिल कराना चाहता हूं तो किस तरह से कैंसिल कराऊंगा, इसका तरीका देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर में से एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेने का तरीका है सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो वन है माइनस में था ये कैसा हो जाएगा प्लस में, और कॉस टू एक्स प्लस में था कैसा हो जाएगा माइनस में, ये माइनस साइन लेने का तरीका, क्यों ले रहे हैं माइनस साइन कॉमन, ताकि नीचे के माइनस को हम कैंसिल करा सकें, तो ये नीचे और ऊपर का माइनस कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा है देखिए, हमारे पास बचा है वन माइनस कॉस टू एक्स और डिवाइड में क्या है साइन टू एक्स। अब हम इसमें लगाएंगे गोल्डन फार्मूला, फार्मूला मैं यहाँ पे साइड में नोट करता हूँ, देखिए हमको एक फॉर्मूला मालूम है कॉस टू थीटा का, थीटा की लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, ये भी इसी तरह फॉर्मूला होता है, ठीक है ओके, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, समझ रहे हो, अब देखिए ना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और दूसरा फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इसी का फॉर्मूला है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है वन माइनस कॉस टू थीटा, तो ये अगर मैं टू साइन थीटा उधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस टू एक्स है, तो वन माइनस कॉस टू एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे टू साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ क्या लिख दिया हमने टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है समझ रहे, यहाँ टू थीटा है तो यहाँ वन थीटा आता है, तो यहाँ पर टू एक्स है तो यहाँ कितना आएगा वन एक्स। अब साइन टू एक्स का फॉर्मूला देखिए, साइन टू एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर का टू नीचे का टू कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, खाली यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा साइन एक्स और यहाँ पर क्या बचा कॉस एक्स, व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, आंसर है टेन एक्स, और यही हमारा क्या था आर एच एस, और ये हमारा प्रूव हो गया आर एच एस का जी टेन एक्स, ये हमारा प्रूव हो गया। इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल 10 से लेकर 17 तक खत्म हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस बनाएंगे, तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में यानी अगले एक्सरसाइज में, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।